तो दोस्तों मार्केट में एक और आईपीओ दस्तक देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। अराउंड 6,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है और कई दिन हो गए दोस्तों हमने कोई अच्छा आईपीओ आते हुए नहीं देखा, लेकिन ये आईपीओ, ये कंपनी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। क्योंकि बात करूँ इनके बिजनेस मॉडल की, प्रोडक्ट्स की, तो दोस्तों अच्छे नजर आ रहे हैं। और जिस थीम को, जिस सेक्टर को दोस्तों ये कैटर करती है, वो भविष्य की थीम होने वाली है। और वो क्या है? वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स और जो ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से ये दोस्तों जुड़ी हुई है, और ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे ही अपने कंपोनेंट्स को सेल कर रही है और अच्छे खासे लेवल पे सेल कर रही है, और कई सेगमेंट में दोस्तों ये मार्केट लीडर भी है। तो कंपनी दोस्तों शानदार है, पूरा हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों ये, एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को भी दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेट दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, लेटेस्ट अपडेट है 10th of May की। सोना कॉमस्टर गेट सेबीज अप्रूवल टू फ्लोट ₹6,000 करोड़ आईपीओ। तो कंपनी करती क्या है इसको हम चलिए यहाँ पर वेबसाइट पे देखते हैं इसकी। अ ग्लोबल ऑटोमोटिव सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सोना कॉमस्टर इज एन इंडियन ऑरिजिन ग्लोबल ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर विद 9 plants। तो मतलब इसके 9 plants है। अगर मैं बात करूँ, 6 plants दोस्तों इसके इंडिया में हैं और बाकी के जो 3 हैं वो हैं चाइना में, मैक्सिको में और यूएसए में। और सबसे बड़ा इसका कस्टमर बेस दोस्तों यूएसए में ही है। तो मतलब बहुत सारा दोस्तों ये जो है एक्सपोर्ट करती है वो यूएसए में ही करती है। अराउंड 80% दोस्तों इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। जी हाँ दोस्तों, और 20% डोमेस्टिक जो है इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले ये अराउंड 50% था, जो है 50-50% था, मतलब इंडिया डोमेस्टिक की बात करें या ग्लोबल की बात करें। अब दोस्तों इन्होंने जो है एक्सपोर्ट अपना 80% बढ़ा दिया है, 20% इंडिया में हो चुका है। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन है दोस्तों संजय कपूर, उनका मानना है कि इनका भविष्य का दोस्तों जो सेक्टर है, थीम है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। और उसके लिए दोस्तों ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को भी ये बढ़ा रहे हैं, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इनको इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पर भी। अभी दोस्तों जिस इस कंपनी के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तब मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा, संजय कपूर का, जो इनके चेयरमैन हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों अच्छा अपना, मतलब एक अच्छा फुटप्रिंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं ये इंडिया में। तो आगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा दोस्तों, तो सोना कॉमस्टर यहाँ से हमको बेनिफिशियरी, बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इसका बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी दोस्तों हम सिर्फ कंपनी के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन जब इसका ऑफिशियल डिटेल आ जाएगी, पूरा इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे दोस्तों इस कंपनी का, इसके पीयर्स कौन हैं, क्या इसके वैल्यूएशंस हैं, क्या क्या इसका जो है इंडस्ट्री एनालिसिस, पूरा दोस्तों इनडेप्थ एनालिसिस हम जैसे हमेशा करते हैं वैसे करेंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही आईपीओ ऑफिशियल हो जाएगा ये, तो हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो देखिए, द कंपनी इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी, डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट्स सच एज डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स। तो ये जो डिफरेंशियल गियर्स है दोस्तों, इसमें ये इंडिया में मार्केट लीडर है। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशियल गियर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो काइंड ऑफ पावर ट्रेन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, पावर ट्रेन ही होता है, तो उसमें ये मार्केट लीडर है। एंड देखिए यहाँ पर कई प्रकार के जो हैं, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट आपको जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें मतलब कि ये जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ, अगर OEMs की बात करें, मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं अक्रॉस US, यूरोप, इंडिया एंड चाइना, सबको दोस्तों सारी व्हीकल कैटेगरीज में ये केटर करते हैं। और हाल ही में दोस्तों इन्होंने 2-व्हीलर स्पेस में भी कदम रख लिया है। जी हाँ दोस्तों, 2-व्हीलर स्पेस में भी इनका कहना है संजय कपूर का कि सबसे पहले जो स्टार्ट होगा दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो दौर है वो 2-व्हीलर से स्टार्ट होगा। तो इन्होंने 2-व्हीलर में ऑलरेडी यहाँ पर कदम रख दिया, और ऑलरेडी दोस्तों ये 2-व्हीलर्स के कॉम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स के कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने लग चुके हैं। तो काफ़ी दोस्तों कंपनी के जो जो है हमको एस्पेक्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडर है, पायनियरिंग इन टेक्नोलॉजी। और देखिए 13.7 जो है इनका प्रोडक्ट आती है BEV मार्केट से। BEV मतलब बैटरी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस सेगमेंट, इस मार्केट से। और ये मार्केट दोस्तों एक्सपोर्ट ही ज़्यादा है इनका, आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ऑलरेडी ये 13.7% के प्रोडक्ट के जो है सेल कर रहे हैं। अमंग टॉप 10 ग्लोबल डिफरेंशियल बेवल गियर सप्लायर्स, 75.4% प्रोडक्ट सेल विद एंड यूज इन ओवरसीज मार्केट, अमंग टॉप 10 ग्लोबल स्टार्टर मोटर सप्लायर्स फॉर PV। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कई जो हैं ये कई चीज़ में ये लीड कर रहे हैं ऑलरेडी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं। देखिए अब इनके बिजनेस पार्टनर देख लीजिए, इनके कस्टमर्स वॉल्वो कार्स, अशोक लीलैंड, डाना, मारुति सुजुकी, गिली, एस्कॉर्ट्स, जगुआर, लैंड रोवर, जॉन डियर। अशोक लीलैंड भी दोस्तों इसका जो है बिजनेस पार्टनर है।
और बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, और भी दोस्तों बड़े बड़े नाम जो आपको इंडिया में डोमेस्टिक जो हमको देखने को मिलते हैं, सब में यहाँ पर ये सबके साथ बिजनेस पार्टनरशिप इनकी ऑलरेडी है। तो दोस्तों कंपनी शानदार नजर आ रही है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ और पढ़ाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। देखिए, कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द टू लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्टार्टर मोटर्स, जैसा भी मैंने आपको बताया। बिसाइड्स बींग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंशियल गियर्स, जैसा भी हमने बात करी। और अगर इसके हम देखें कस्टमर्स, देखिए अशोक लेलैंड है, डाइमलर है, स्कॉट्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, निसान, वॉल्वो, वॉल्वो आइशर। तो देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर कई सारे इनके जो हैं, और ग्लोबल ओईएम्स में भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छे इनके जो हैं कस्टमर्स हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी अभी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर इसका जैसे ही दोस्तों कुछ ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, कब इसका डेट्स हैं और कब ये जो है लॉन्च होगा, तो आपके साथ ज़रूर हम बाकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे, और उस टाइम दोस्तों आपके साथ इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और ताकि आपको यहाँ पर हेल्प हो पाए इन्वेस्टिंग पर्पज़ से भी, लिस्टिंग गेन पर्पज़ से भी, सब तरीके से दोस्तों। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा A to Z। तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही IPO आएगा हम आपके लिए पूरा यहाँ पर एनालिसिस लाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश करी इस IPO के बारे में। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को, और आपके जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।